हेलो किड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बच्चों, आज आपका टर्न है हिंदी इंग्लिश और कन्वर्सेशन का, ठीक है? तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? सबसे पहले हम हिंदी से शुरुआत करते हैं, है ना? तो हिंदी में हमने क्या पढ़ा है बच्चों? हिंदी में हमने पार्ट 6 यानी कि पार्ट 6 हम कर चुके हैं, है ना? आज हमारा चलेगा पार्ट 7, ठीक है बच्चों? अब आप ये सोचेंगे कि पार्ट 6 में तो मैम ने 4 वर्णों वाले शब्द कराए थे, तो ये पार्ट 7 में 3 वर्ण वाले कैसे? वो मैंने आपके जो 4 वर्णों वाले शब्द कराए थे वो सिर्फ एक इसलिए दिए थे मैंने कि जैसे बच्चा 2 वर्ण वाले पढ़ना सीख गया, 3 वर्ण वाले पढ़ना सीख गया, तो 4 वर्ण वाले भी बोलना सीख जाए, पढ़ ले, ओके? बट वो अभी आपका कोर्स में नहीं है, ठीक है? वो मैंने एक्स्ट्रा में दे दिया था, ठीक है? अभी आपके 3 वर्ण वाले ही शब्द चलेंगे, वो आपको अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से पढ़ने लिखने, ठीक है बेटा? तो देखिए, हमने पार्ट 7 में आपको दिया है, आप अपनी नोटबुक निकालेंगे और नोटबुक में से आप वीडियो को देखकर लिख लेंगे, और अब मैं नोट्स भी सेंड करती हूँ वीडियो के साथ में, तो आप नोट्स में से भी देख के वर्क कर सकते हैं अपना, ठीक है बेटा? तो देखिए, चित्र देखकर नाम लिखे, हमारा क्वेश्चन है चित्र देखकर नाम लिखे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र को ध्यान पूर्वक देखेंगे, चित्र क्या बना हुआ है ना? तो देखिए बच्चों, बिल्कुल सीधी सीधी क्या बनी हुई है, सड़क, 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 ठीक है? तो हमें इसके आगे लिखना है सड़क, 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 ठीक है बेटा? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एक तो आप कोई भी वर्क करें बोलकर ही करें, ठीक है? बिना बोले कोई भी बच्चा वर्क नहीं करेगा, ठीक है? उसमें क्या होता है, बोलने से आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाता है, आपका ओरल वर्क भी हो जाता है, और लिखना भी आपको बहुत अच्छे से आ जाता है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो हम लिख रहे हैं, तो उसमें हमारी राइटिंग भी अच्छी हो रही है, हमारा ओरल भी अच्छा हो रहा है, हमारे दोनों वर्क एक साथ हो रहे हैं, है ना? और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हमें चीज लर्न हो जाती है, अच्छी तरह से हमें पता लग जाता है कि किस तरीके से लिखा जाएगा। जिस बच्चों को पढ़ना आता है वो कभी भी गलत नहीं लिखेगा, जिस बच्चों को लिखना अच्छी तरीके से आता है वो गलत कभी भी नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा पढ़ पढ़ कर लिखता है, लिख लिख कर पढ़ता है, उनकी कभी भी स्पेलिंग गलत नहीं होती, है ना? और वो अटक अटक के नहीं पढ़ते, वो एकदम से पढ़ लेते हैं, स्पीडली पढ़ लेते हैं, ठीक है बेटा? तो आप देखिए ध्यान से, नेक्स्ट है नहर, नहर। देखो बच्चों, ये जो मैंने चित्र बनाया है आपका, तो इसमें ये लगाई हुई ना मैंने डॉट्स, ये इस तरह से, ये नहर है। क्या है ये? नहर, ठीक है बेटा? तो देखिए, नहर, नहर, कैसे लिखेंगे? नहर, 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 ऊपर से हम लाइन इस तरह से बना देंगे, ठीक है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नमक। दिखाई दे रहा बच्चों आपको, ये छोटा सा डिब्बा बनाया हुआ है मैंने, और इसके अंदर भी लिखा हुआ है नमक। ये किसका डिब्बा है? ये नमक का डिब्बा है, ओके? तो देखिए, नमक, नमक, क्या लिखेंगे यहाँ पर? नमक, 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 ठीक है बेटा? देखा आपने कितने आसान तरीके से हम अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत ध्यान से, है ना? अब इसके बाद में देखिए नयन, ठीक है? इसके बाद क्या आएगा? नयन, ठीक है? नयन किसे बोलते हैं? हम अपनी आंखों को नयन बोलते हैं, ठीक है? क्या है ये? ये है नयन, ओके? ये जो बना हुआ है
ये आंख है ना, तो हम इसे क्या बोलते हैं, नयन। ठीक है, मेरे साथ लिखेंगे और मेरे साथ ही बोलेंगे, न य न, नयन, न य न, नयन। ओके, अब देखिए ब ट न, बटन, ब ट न, बटन। ठीक है बेटा, तो आपने देखा हमने किस तरीके से अपना कार्य किया। सबसे पहले हमने चित्र को ध्यान से देखा है, उसके बाद में फिर हमने स्पेलिंग को पढ़ा है, जो हमारे अक्षर लिखे हुए हैं, जो हमारे वर्ण लिखे हुए हैं, उन्हें हमने बहुत ध्यान से पढ़ा है ना, और उसके बाद में फिर हमने लिखना स्टार्ट किया है ना। तो इसी तरीके से आपको भी अपना वर्क करना है, बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, सड़क, सड़क, नहर, नहर। मेरे साथ बोलो सभी बच्चे। नेक्स्ट क्या है, नमक, नमक, न य न, नयन, ब ट न, बटन। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। ठीक है, कौन सी बुक में करना है, यह आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है, बोल बोल कर करना है। ये आपको पढ़ने भी आने चाहिए और लिखने भी आने चाहिए। ठीक है, अपनी हैंडराइटिंग में कार्य करेंगे, किसी से भी नहीं कराएंगे। आप चित्र बनवा सकते हो ट्यूशन वाली मैम से, अपनी मम्मा से, डैडी से, बुआ से, दीदी से, किसी से भी बनवाओ, ओनली चित्र, बट लिखेंगे आप अपने आप, अपनी हैंडराइटिंग में। ओके, ऐसा ना हो कि अपना वर्क भी आप दूसरे से करा लो, है ना, उसमें क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं आने का, है ना। तो यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, अच्छे से अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आप अपने आप करेंगे ईमानदारी से। ठीक है, और अपनी हैंडराइटिंग में करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद देखते हैं इंग्लिश। तो चलिए इंग्लिश निकालते हैं। हाँ, ये आ गई हमारी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में हमारा क्या चल रहा है बच्चों, इंग्लिश में हमारा चल रहा है चैप्टर 9। कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चों, चैप्टर 9 चल रहा है हमारा इंग्लिश में, यूज ऑफ ए एन। ओके, तो देखिए हमने यूज ऑफ ए तो कर लिया है ना, अब हमारा आएगा यूज ऑफ एन। ठीक है, तो चलिए पहले हम इनकी रीडिंग कर लेते हैं। ए एन, एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन आंट, एन आयरन, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन ऑक्स, एन आई, एन अनियन, एन अम्ब्रेला। ओके, तो ये तो थी हमारी रीडिंग जो हमें करनी है, पेज नंबर 35। जल्दी जल्दी ओपन योर बुक, पेज नंबर 31 निकालिए जल्दी जल्दी। अब मेरे साथ पढ़िए, देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि जहां पर ए ई आई ओ यू वर्ड आएंगे वहां पर आपको ए एन का प्रयोग करना होगा। ठीक है, यूज ऑफ एन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे वोवल्स हैं। वोवल्स हमारे कितने होते हैं बच्चों, वोवल्स हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये कितने हैं हमारे वोवल्स, 5। और जहां पर भी कोई भी स्पेलिंग की स्टार्टिंग हो रही है
इन वोवल्स वर्ड से, तो उसमें आपको एन का यूज करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। अब बताइए ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, ए से। तो क्या आएगा इसके आगे, ये क्या है हमारा, वोवल्स है ना, तो ये हमारे इसके आगे क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। और ये भी ए से स्टार्ट है तो इसलिए यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा, ये भी ए से स्टार्ट है तो यहाँ पर भी एन का यूज होगा। आई, आई हमारा वोवल में आता है बच्चों, चलो देखते हैं, ए ई आई आता है, आता है ना, तो देखिए इसलिए हमने इसके आगे भी एन का यूज किया है, ठीक है। आई ओ, ए ई आई ओ, ई आई ओ, तो इन सब में वोवल्स है इसीलिए इनके आगे हमने किस चीज का यूज किया है, एन का प्रयोग किया है, ठीक है। एन का यूज हमने किया है यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। फाइव वोवल्स नंबर्स वर्ड्स सॉरी। अब यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसके आगे हमें ए लगाना है, किसके आगे हमें ए एन लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी, उसमें आपको अपने आप पता लगाना है ए कहाँ पर लगेगा, एन कहाँ पर लगेगा, मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में आकर भी पूछ सकते हैं, है ना। जैसे कि जहां पर वोवल्स है ए ई आई ओ यू, वहां पर हमें क्या यूज करना है, ए एन का यूज करना है, ठीक है। और जहां पर हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वहां पर हमें ए का प्रयोग करना होता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं, लेसन 9 यूज ऑफ एन, ठीक है। एन इज यूज्ड फॉर वन ऑब्जेक्ट इफ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिगिन विद अ वोवल। वी यूज एन वोवल ए ई आई ओ यू, ठीक है। एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन आंट, एन आयरन, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन इंकोट, एन ऑक्स, एन आई, एन अनियन, एन अम्ब्रेला। तो देखा बच्चों आपने कितने आसान तरीके से हमने इन्हें पढ़ लिया है ना। अब मेरे साथ ऐसे ही पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। देखिए जहां पर हमारे वोवल्स यूज होते हैं स्टार्टिंग स्पेलिंग के स्टार्टिंग में, यदि वोवल्स है तो उसके आगे हम किस चीज का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए एन एप्पल, यहाँ पर एन क्यों आया पता है, बताया कोई बच्चा, क्योंकि यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, है ना। यहाँ पर भी ए से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर भी ए से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर आई से ओ से, यहाँ पर ई आई ओ ई ओ यू, तो ये क्या है हमारे वोवल्स हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने एन का प्रयोग किया है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया है, एन का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर वोवल्स हैं। ये देखिए, समझ गए बच्चों। तो ये वर्क आपको अपने नोटबुक में करना है, इसी तरह से करना है जैसे कि मैंने आपको नोट्स में दिखा रखा है, ठीक है। आप वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे ना चाहो तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले तो डालेंगे डेट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या डालते हैं, डेट डालते हैं, है ना। उसके बाद हम डालते हैं चैप्टर 9, जो भी आपका चैप्टर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम डालते हैं होमवर्क,
है ना। उसके बाद हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं यूज ऑफ ए एन, ठीक है। इसके बाद में हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ऐसे अंडरलाइन करिए और ऐसे, एप्पल, तो एप्पल क्या आ गया, हमें क्या आएगा यहाँ पर बताएगा कोई बच्चा, ए एन, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ओके। और बताइए बच्चों, यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है, 12 बजे तक, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कन्वर्सेशन, ठीक, कन्वर्सेशन। जो मैंने आपकी नोटबुक बनवाई हुई है, मैंने आपकी एक नोटबुक बनवाई थी जीके कन्वर्सेशन की, एक साथ बनवाई थी ना, तो देखिए बच्चों उसमें हमने आपको माइसेल्फ कराया था, है ना। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ओनली 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं कन्वर्सेशन में, उसमें आपको आंसर लिखना है। व्हाट इज योर नेम, कैसे लिखेंगे, माय नेम इज, जो भी आपका नाम होगा आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में हु आर यू, तुम कौन हो, आई एम ए गर्ल, आई एम ए बॉय। यदि आप लड़की हैं तो आप गर्ल लिखेंगे, यदि आप लड़के हैं तो आप बॉय लिखेंगे, ठीक है। तो आई एम ए गर्ल, आई एम ए बॉय, ठीक है। इसके बाद में है इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो क्या बोलेंगे बच्चों, आई स्टडी इन एलकेजी क्लास, ओके, एलकेजी। इसके बाद देखिए, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन मेरठ, ठीक है, आई लिव इन मेरठ। व्हाट इज योर फादर्स नेम, फादर्स नेम क्या है बच्चों, माई फादर्स नेम इज, जो भी आपके फादर का नेम होगा आप यहाँ पर मिस्टर ऐसे करके, और सॉरी ऐसे मिस्टर लिखकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ये भी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज योर क्लास टीचर, ठीक है। तो आपकी क्लास टीचर कौन है बच्चों, बताएगा कोई, फिर से लिखते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज योर क्लास TACHER, क्लास टीचर, ठीक है। तो यहां पर अब हम फिर आंसर लिखेंगे, माय क्लास टीचर नेम इज मिसेस RAJNI, ठीक है, मिसेस रजनी, ओके। तो ये आपके 6 क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ध्यान पूर्वक करने हैं, ये आपका कन्वर्सेशन का वर्क है, ये आप कन्वर्सेशन वाले कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 2 सेशन करा रखे हैं ना आपकी नोटबुक में, हाफ जीके एंड हाफ
कन्वर्सेशन, तो आपको एक कन्वर्सेशन में करना है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास डू यू स्टडी, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम, ठीक है। तो आपको ये सिक्स क्वेश्चन बेटा आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, अपनी ही हैंड राइटिंग में आप कार्य करेंगे, ठीक है। किसी भी दूसरे बच्चे से आप अपना वर्क नहीं कराएंगे, अपनी मम्मी से कोई वर्क नहीं कराएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखवा सकते हो बट आंसर आपको अपने हैंड राइटिंग में ही लिखना है, अपने आप लिखना है, ठीक है। जब भी आपको पढ़ना भी आएगा तभी आपको लिखना भी आएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ मैं, कन्वर्सेशन, व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर माई नेम इज, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में हु आर यू, आई एम ए गर्ल, आई एम ए बॉय, ठीक है, जो भी होगा वो आप यहाँ पर शो कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में इन विच क्लास डू यू स्टडी, आई स्टडी इन एलकेजी क्लास, ओके एलकेजी क्लास। इसके बाद देखिए वेयर डू यू लिव, आई लिव इन मेरठ, ठीक है, आई लिव इन मेरठ। इसके बाद में है व्हाट इज योर फादर्स नेम, माई फादर्स नेम इज मिस्टर, जो भी आपके फादर का नेम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है, ठीक है बेटा। व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम, माई ने क्लास टीचर नेम इज मिस रजनी, ओके सभी बच्चे जानते हैं ना, है ना, सभी बच्चों को पता है। आप अच्छे से अपना वर्क करेंगे, आई होप आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आता है बेटा तो आप स्कूल में आकर के हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पर कोई भी वर्क को गलत नहीं करेगा, किसी और से नहीं कराएगा, अपना वर्क अपने आप करेंगे। आज मैंने आपको क्या क्या वर्क दिया है बताएगा कोई बच्चा? आज मैंने आपको हिंदी में तीन वर्ण वाले शब्द दिए हैं, चित्र देख करके नाम लिखे, है ना, वो आपको पढ़ना भी है और अपनी हिंदी की नोटबुक में सफाई से अपनी हैंडराइटिंग में ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर मैंने आपको इंग्लिश में दिया है चैप्टर 9 पेज नंबर 31 निकालेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे, यूज ऑफ एन, ठीक है, वो आपको अपने नोटबुक में भी फिर लिखना है। मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया है, इसी तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है, यूज ऑफ एन, ओके बच्चों। इसके बाद में फिर कन्वर्सेशन कराया, कन्वर्सेशन में मैंने आपको क्या कराया है, क्वेश्चंस कराए हैं, सिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, इन विच क्लास डू यू स्टडी, व्हाट इज योर फादर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम। तो ये बेटा जनरल से क्वेश्चन है, ये आप अपने माई सेल्फ में भी कर चुके हैं, तो ये आपको आने चाहिए बहुत अच्छी तरह से, इसमें बिल्कुल भी कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बोलने में लिखने में, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, एकदम बोलेंगे माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, ठीक है। हु आर यू, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ठीक है। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आई स्टडी इन एलकेजी क्लास, ठीक है। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन मेरठ। व्हाट इज योर स्कूल नेम, माई स्कूल नेम इज राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ जनरल से क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए बोलने भी और लिखने भी, ठीक है बेटा। आप अपनी राइटिंग में करेंगे, सफाई से करेंगे, बोल बोल कर करेंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप 12 बजे तक स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।